हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। तो दोस्तों, इस वक्त की बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन छात्र छात्राओं के लिए जो छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर में 2020 में पास किए थे। वे छात्र छात्राएं जो है अपने अगली कक्षा में आज से जो है बिहार बोर्ड ने जारी किया था इंटर में नामांकन को लेकर डेट अनाउंसमेंट किया था। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक जो है एडमिशन होगा, यानी कि OFSS के माध्यम से जो है नामांकन होगा। तो यहाँ पर जो है आज भी बिहार बोर्ड ने डेट को जो है चेंज कर दिया है, डेट को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है। अब जो है आप लोगों को कब से कब तक जो है फॉर्म को फिलअप किया जाएगा और किस प्रकार से फॉर्म का फिलअप किया जाएगा, इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, क्या आप फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है उसमें आप क्या चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग जान सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बिहार बोर्ड ने आवेदन करने के लिए जारी किया दिशा निर्देश, दाखिले को वसुधा केंद्र से फॉर्म संख्या 5 भरे। देखिए यहाँ पर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दिया गया है और कब से कब तक जो है अब आप लोग का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सारा जानकारी इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन के सत्र 2020-22 के लिए दिशा निर्देश जारी किया। विद्यार्थी की सुविधा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के कई माध्यम बनाए गए हैं। बोर्ड की माने तो अगर बिहार बोर्ड का छात्र सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो उन्हें फॉर्म संख्या 5 भरना होगा, वही CBSE और ICSE के छात्रों को 6 भरना होगा। अगर जिला निबंधन कार्यालय से फॉर्म भरना हो तो फॉर्म संख्या 7 भरना होगा। जिला निबंधन कार्यालय से CBSE और ICSE के छात्र फॉर्म 8 को भरेंगे। बिहार बोर्ड के छात्र हो या CBSE बोर्ड के छात्र हो या ICSE के छात्र हो, यहाँ पर जो है सभी छात्र छात्राओं के लिए जो है अलग अलग जो है टर्म एंड कंडीशन जारी किया है। इसके अलावा जो छात्र साइबर कैफे से फॉर्म भरेंगे वे भी फॉर्म 7 या 8 को भरेंगे। बोर्ड ने छात्रों को फॉर्म अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में भरने का निर्देश दिया है। देखिए आप लोग जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें जो है आप लोग को अंग्रेजी कैपिटल, इसके साथ ही रंगीन फोटो ही लगना है। वसुधा केंद्र या जिला निबंधन कार्यालय से फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन लेटर छात्रों को मिलेगा। आवेदन जमा होने के पश्चात विद्यार्थी को यूजर ID और पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कट ऑफ मार्क देकर स्कूल या कॉलेज का करे चयन। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को ध्यान देना है इस बात पर, बोर्ड ने सभी छात्रों को 2019 के इंटर नामांकन के कट ऑफ मार्क्स देखने का निर्देश दिया है। बोर्ड की माने तो OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन के लिए जारी कट ऑफ मार्क्स देखने से आवेदन करने में सहूलियत होगी। इससे छात्र अपने अंक के अनुसार कॉलेज या स्कूल का चयन कर पाएंगे। देखिए आपको जितना मार्क्स आया है उसी हिसाब से जो है आप लोग अपने कॉलेज को चयन करेंगे, नहीं तो आप लोग को बाद में बहुत दिक्कत भी आ सकती है, आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो बिहार बोर्ड ने साफ साफ बता दिया है, विकल्प चुनने में रखे ख्याल, कॉलेज और स्कूल के विकल्प चुनने से पहले जिला घूमने इसके बाद संबंधित कॉलेज या स्कूल का चयन करेंगे, फिर संकाय का चयन करेंगे, विकल्प बदलने का मौका बाद में नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट बात बताया गया है, जो भी आप लोग चयन करेंगे जैसे कॉलेज हो गया, संकाय हो गया, आप लोग एक ही बार जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको दोबारा जो है चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सोच समझ कर जो है आप लोग चयन कीजिए। इंटर नामांकन अब 8 जुलाई से, देखिए यहाँ पर जो है डेट को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, आज से जो है आप लोग का ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि में बदलाव किया है। बोर्ड की माने तो छात्र OFSS ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से 8 से 17 जुलाई तक आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप लोग का डेट जो है अब 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, आज से जो है आवेदन नहीं होंगे। पहले बोर्ड ने यह तिथि 1 से 10 जुलाई तक निर्धारित की थी। बोर्ड द्वारा सामान्य आवेदन प्रपत्र प्रोस्पेक्ट को वेबसाइट www.ofssbihar.in पर 29 जून को डाल दिया गया है। बोर्ड की माने तो एक मोबाइल नंबर एवं एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए किया जाएगा। किसी तरह की दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर को जो है आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत होती है तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर बिहार बोर्ड ने साफ साफ बता दिया है कि यहाँ बोर्ड की माने तो जो है एक मोबाइल नंबर एवं एक ईमेल आईडी जो है
एक ही आवेदन भरने के लिए जो है किया जाएगा। आप उसी मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी से दूसरा फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग को नहीं होगा, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक ही छात्र का जो है ये फॉर्म फिलअप होगा। देखिए ये बात भी यहाँ पर बताया गया, इंटरमीडिएट कक्षा सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए तिथि पुनः निर्धारित करते हुए दिनांक 8/7/2020 से 17/7/2020 तक विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन का अवसर देने का संबंध में आवश्यक सूत्र। तो आज के वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।